हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल हेडोल डॉक्टर में। और आज आपको मैं जो पंपिंग सेट है, पानी उठाने वाला जो वाटर पंप होता है, उसकी मैं आज एक डीजी तैयार करने वाला हूँ। आज ही आपको इसकी जानकारी दूँ कि किस तरह से हम पंपिंग सेट को डीजी में कन्वर्ट करें और उसकी किस तरह से क्या क्या चीज़ें मतलब चेंज करनी पड़ती हैं, वह आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और उसके बाद में आप अगर पुराने हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं, आप लोगों को बताता हूँ किस तरह से डीजी कन्वर्ट करना चाहिए हमें पंपिंग सेट में। तो चलिए दिखाते हैं आपको किस तरह से। देखो, ये अभी पंपिंग सेट है, इसको मैं अभी ये खोलने वाला हूँ। और ये थोड़ा सा भाइयों पीछे हटना ज़रा, किस तरह से है हटाना ज़रा इसको, इसको हटाओ। देखिए इस तरह से ये पंपिंग सेट है। अभी हमने इसको असेंबल अलग कर दिया है और अल्टरनेटर भी तैयार है। अल्टरनेटर ये आ चुकी है हमारी, किर्लोस्कर की लगा रहे हैं इस बार में। किर्लोस्कर का अपना एक ब्रांड होता है देखिए, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा इसका। देखते हैं, ट्रायल भी दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से ट्रायल करना चाहिए। बाकी एक डीजी हमारे पास ये भी है, ये भी हम कभी कभी यूज़ करते हैं लाइट भागने पर। और बाकी जब इसका जब रेडी हो जाएगा तो अभी इसका मैं ट्रायल दिखाऊंगा। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, ये अल्टरनेटर उठा करके इस वाली बेस पे आप यहाँ सेट करें। यहाँ पर आपको दो चैनल बेल्ट करने पड़ेंगे, उसके हिसाब से अपने जजमेंट रख लें। और बाकी कपलिंग यहाँ पर इतना सेट कर लेंगे। कपलिंग अभी दिखाता हूँ आपको किधर है कपलिंग। ये रही टायर वाली कपलिंग है, 11 नंबर कपलिंग लगती है इसमें और बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है इसका, काफ़ी लाइफ है इसकी। और इसको मैं सेट करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये कपलिंग हम सेट करेंगे। और ये इसमें थोड़ा सा ट्रॉली को हमने बढ़ाया है आगे ताकि अल्टरनेटर आसानी से सेट हो जाए, आगे आ जाए। थोड़ा शिफ्ट करना था, असल में ट्रॉली छोटी छोटी बढ़ाई, ये वाले पीस हमने लगाने पड़े हैं काट के। 4 इंची का मतलब आपका वो है एंगल चैनल, उसको लगाया हमने। और आगे की वीडियो फिर दिखाता हूँ तुम्हें। और देखिए भाई, अब कपलिंग सेट हो रही है, हाँ ये दोनों लड़के लगे हैं। और ये इस तरह से इसकी जजमेंट बहुत अच्छा रखें, 13 नंबर वोल्ट होते हैं ये, 13 नंबर यहाँ पर होते हैं, 11 नंबर कपलिंग है ये। और पहले आप इसका सेंटर देख लें, सेंटर अगर बढ़िया रहता है, प्रॉपर रहता है, तभी जाकर के ये कपलिंग रुकती है, वरना फिर दिक्कत आ जाती है। और ये हमने इस तरह से ये बेस बनाई है इसकी ट्रॉली से, ट्रॉली में आगे ये चीज़ इतनी मैंने बढ़ाई है ताकि ये अल्टरनेटर आसानी से सेट हो सके। देखो अल्टरनेटर लग गया, थोड़ी देर में टाल दूंगा मैं आपको कि किस तरह से ट्रायल रहेगा। और ये देखिए अब ट्रायल करना शुरू हो गया, किस तरह से ट्रायल करेंगे। ये देखो कनेक्शन हमने लगा दिए वेल्डिंग सेट के यहाँ पे, और ये स्टार्टिंग हो रही है इसकी।